नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। फरीदाबाद में आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकारी दिवस समारोह का आयोजन किया गया और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में खाद्य पदार्थों में मिलावट को विस्तार से चर्चा की। आज के दौर में लोग मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज खासतौर पर दूध से बने खाद्य पदार्थ मिलावटी बेचे जा रहे हैं, जिन्हें देसी घी को लेकर कहा कि अब बाजारों में नकली देसी घी बेचा जा रहा है, जिसे लोगों को खाने और पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिलावटखोर लोगों के साथ साथ भगवान से भी धोखा कर रहे हैं। इसलिए आज के दौर में सभी को जागरूक होने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा लोगों को आम प्लेट भी बांटे गए हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी जानकारी दी गई है, जिससे लोग मिलावटखोरों से बच सकते हैं। सूखे दूध का डिब्बा दे दे, लिया देखा अपना खोल के पिला दिया, 3 महीना प्लांट एक्सपायर हो गई। और एक चीज नहीं, अनोखा चीज खाने से लेकर हर चीज तक, मैं दाल की, मसाले की, दूध, गुड़, हर चीज में मिलावट है। और यहां तक दूध का पानी में भी ठीक नहीं है। यहाँ का पानी कुछ और तरह का है, नहर काट का पानी TDS कितना कम है कि लोग मिलावट में बोतल में भी जो पानी जो होना चाहिए, विल्सरी की बोतल है, सारे दिन नकली लगाते हैं, विल्सरी के लगाते हैं, लोग गोली डाल देते हैं, उसे कहते ठीक हो गए जी, गोली डाली 15-20 रुपए में बेच दी, ये सब मिलावट का पूरा। और मेरे शहर में तो एक काम और है, लग राकेश जी जो घी बिकता 150 रुपए किलो देसी, सबसे पहले कहेंगे भाई घी दे दे, लिखा रहेगा भाई घी वनस्पति है देसी है, सबसे पहले कहेंगे पूजा के लिए घी यही दे दे। आज का क्या कार्यक्रम था और क्या किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं आप सारी चीजों को लेकर? 24 दिसंबर 1986 को पार्लियामेंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में ग्राहकों के हित के लिए कानून बन के तैयार होता। उससे पहले वो कानून नहीं था, उसी को मनाने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में इस तरह से हर जिले हेडक्वार्टर पे और ग्राहक दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने भी एक ये पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर पखवाड़ा चल रहा है, एक कार्यक्रम ग्राहकों को जागरूक करने गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया था। मैं बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को दिया था, जो कि 99% उसी शेप में पास हुआ था। ये बहुत बड़ा योगदान हमारे संगठन का सरकार को रहा है। और हम ग्राहक माध्यम केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों को जागरूक करता है, समय समय पर विचार गोष्ठी इस तरह की आयोजित करते हैं। और भी हम ग्राहकों को बात करते हैं भी, जितना आप ध्यान रहेंगे, सजग रहेंगे, अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मंत्री जी आए, कुछ आपके जो नेता हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया गया है। आज ग्राहक पंचायत की तरफ से माननीय मूलचंद शर्मा मंत्री जी को इन्होंने बुलाया था और आमंत्रित कर रखा था, और सभी कोरोना योद्धाओं को जो देश के लिए इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, और इस देश के लिए जो समर्पित हैं, अपने घर परिवार को भी ध्यान में ना देकर इस कोरोना योद्धा के रूप में जो इस कोरोना से महामारी से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनको सभी को आज सम्मानित किया गया। और ये बहुत अच्छा और बड़ा उदारता का काम है कि किसी के ऐसे काम में जो देशभक्ति में लीन है, उस आदमी का मनोबल का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।